आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव महलोली पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 2600 वोट 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान अकबर हुसैन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। ग्राम प्रधान अकबर हुसैन और सचिव नरेंद्र प्रताप के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंदरकी के महलोली ग्राम पंचायत में। यहाँ बीते 4.5 सालों में क्या क्या विकास कार्य यहाँ प्रधान द्वारा करवाए गए हैं और लॉकडाउन के समय में भी किस तरह से लोगों की मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि दो बार पहले भी आप लगातार आपके जो है फादर यहाँ पर प्रधान रहे हैं और आप पिछले 4.5 सालों से आप यहाँ प्रधानी कर रहे हैं, कार्यकाल चल रहा है आपका, इसमें क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में अपना करवा दिए हैं? विकास कार्य में सीधी टाइल्स कर रहे हैं, बहुत रास्ते गंदे से कर रहे थे। मुस्लिम समाज है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर बहुत गंदे रास्ते थे, हमने सीधी टाइल्स कराए, कुछ खाने भी कराए, नालियों के निर्माण कराए, जैसे स्कूल में हमने टंकी फिटिंग वगैरह, समर सीवल वगैरह, स्कूल प्रांगण में सीधी टाइल्स, शौचालय में सीधी टाइल्स वगैरह। आवास मिले जी? आवास मिले हैं? आवास मिले हैं, 16 आवास मिले जी। ओडीए हो गई ग्राम पंचायत पूरी, सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई, स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट लगवाई, हमने जो रास्ते खराब थे तो हमने खरीदो जी। क्या कच्चे रास्ते अभी भी बचे हैं गांव में या लगभग पूरे नहीं? नहीं, कुछ कच्चे रास्ते अभी भी बाकी हैं जी। यहाँ जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएँ चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मतलब आ रहा है सरकार की तरफ से, तो आपके गांव में क्या सबको मिला है इसका लाभ, सभी योजनाओं का, या कुछ लोग रहे हैं? कुछ लोग रह रहे हैं, 100% नहीं मिल पाया, 100% नहीं मिल पाया किसानों का पैसा, 100% नहीं मिल पाया। किसी के आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है और किसी के खतौनी में मिस्टेक है, तो उस बिना तो लोग कुछ लोग रहे हैं। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, सफाई करने रेगुलर आते हैं, लगातार रेगुलर आते हैं और भी उधर खड़े करके करवाते हैं। अब जैसे कि लॉकडाउन रहा है और बीमारी का इतना, लॉकडाउन के चलते काफ़ी गरीबों को कई तरह की परेशानियाँ आई हैं, तो इसमें अपने गाँव के कुछ गरीब लोगों के लिए, जैसे जो भी परेशान हाल में रहे हैं उनके लिए आपकी किस तरह से मदद रही है? हमने उन लोगों को घर घर जाकर राशन भी पहुँचवाया है, खाने के पैकेट भी पहुँचवाए गए हैं और घर घर जाकर हमने उन लोगों को समझाया है कि भाई दूरी बनाकर रखो, घर से ना निकलना नहीं, कोई ज़रूरी काम है तो मास्क लगा कर जाओ, रुमाल बांध। क्या बाहर से लोग आए यहाँ पर? बाहर से लोग आए थे, हमने उनका बिलाकर चेक किया जी, सभी नेगेटिव हैं जी, सब नेगेटिव हैं। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत घर, ये बने हुए हैं गाँव में? आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, अस्पताल, अस्पताल हमारे गांव से दूसरे गांव में चल गया, हमारे गांव के नाम से, अच्छा मतलब इसी गांव के नाम से दूसरे गांव में दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, वहां पर डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर जी। शमशान घाट कब्रिस्तान, कब्रिस्तान बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह सब, बाउंड्री वॉल। आप अपने गाँव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे आप? ऐसा है, कुछ निधि का पैसा और आ रहा है और आने वाला है, और कुछ आ जाएगा तो रास्ते सही हो जाएंगे, जो गंदे पड़े हैं रास्ते सही हो जाएंगे वहाँ थोड़े। कितने मीटर सीसी से पूरा गाँव पक्का हो जाएगा? अभी तो काफ़ी लगेगा, रास्ते खराब। कितने परिवार यहाँ अभी ऐसे होंगे? पानी की दिक्कत ऐसी है कि तालाब दूर होने के कारण पानी की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है, जल भराव होता है, जल भराव हो जाता है कहीं कहीं नहीं, जैसे कि तालाब काफ़ी दूर है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, गाँव के बाहर तरीके भी है दिक्कत कोई सी, तो वो तालाब काफ़ी दूर है, तालाब में पानी नहीं पहुँच पा रहे, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रहा है। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे अभी जिन्हें आवासों की ज़रूरत है? अभी तो लगभग करीब 50 साल परिवार ऐसे। इसके अलावा और कोई यहाँ पर समस्या ऐसी मतलब जो है आपके, अगर मदद करे आपके गाँव में तो उस समस्या का जो है हल होना चाहिए? मैंने तो इसमें असल में क्या राहत कोष के लिए मैंने तो तहसील में भी एजेंट साहब को पैकेट पहुँचवाए गए थे जी, जिसमें क्या 2 किलो आलू, 1 किलो अरहर की दाल, 1 नमक का पैकेट, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 500 ग्राम की सरसों का तेल, ये ऐसे ऐसे मैंने जो है 40 पैकेट रात को उसके लिए तस्वीर।
मतलब जो है पीएम राहत थे उसके लिए या लोगों की मदद के लिए आपने अपने स्तर पर तहसील में आपने पहुँचाए थे। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते कई सालों में काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे कि तीसरी बार ये यहाँ पर दोबारा मतलब जो है बीच में गैप देकर के दोबारा प्रधान चुने गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर सीसी टाइल्स कार्य आवास भी लोगों को मिले हैं, शौचालय से गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल में भी काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है। लॉकडाउन और बीमारी के चलते कोरोना महामारी के चलते भी यहाँ कई गरीब परिवारों की इनके द्वारा मदद की गई है, राशन को लेकर भी और आर्थिक मदद भी मिली है उन लोगों को। इसके साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो यहाँ अभी भी कुछ समस्याएं बाकी है, जैसे बारात घर, पंचायत घर जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है, खेल का मैदान या अस्पताल है किंतु दूसरे गांव में है। श्रीफली के साथ मनाबरीन टू रिटर्न। क्या नाम आपको? मेरा नाम जी मोहम्मद फैजान पासा। मोहम्मद फैजान कहाँ के नागरिक हो? जी ग्राम महलोली, ग्राम पंचायत महलोली के नागरिक। साढ़े चार साल हो गए हैं यहाँ ग्राम प्रधान कार्यकाल को। विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? हमारे जो ग्राम प्रधान अकबर हुसैन हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव में खरंजों को लेकर, स्कूल सौंदर्यीकरण और भी जो गांव में विकास हुआ उसमें लेकर इनका अच्छा योगदान रहा है, और गांव की समस्याओं को देखते रहते हैं इधर उधर, लोगों को जाकर जागरूक भी करते हैं कि जैसी कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि इधर उधर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगाएँ, डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने घर रहें। इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल जी संतुष्ट हैं, कुछ काम ठीक कराए हैं, कुछ काम अभी भी चल रहे हैं, कुछ सरकार से मांग है इन कार्यों की क्या हमारे गांव में ये कार्य कराए जाए।